বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত। ২৫ বছরেও রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি বামেরা, কিন্তু মাত্র চার বছরের বেশি সময়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে রাজ্যে বিজেপি সরকার। সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই বামেদের বিদ্ধলেন এসসি মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি লাল সিং আর্য এবং তার পাশাপাশি ২৩ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি দল পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত রয়েছে এবং মানুষের পাশে রয়েছে বিজেপি দল, সেই কথাগুলোই তিনি বললেন। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কি বলেছেন এসসি মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি লাল সিং আর্য এবং অন্যান্যরা শুনব। अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष के नाते मेरा जो देश भर में प्रवास चल रहा है, उस प्रवास के दौरान त्रिपुरा में भी थोड़े दिन का हमारा प्रवास था। ये सर्वनात्मक प्रवास था। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे ने पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा घोषणा देश के 75,000 एससी की बस्तियों में बस्ती संपर्क अभियान और वहां पर टीम बनाना, 7,500 एससी के होस्टल्स में संपर्क करना, यानी कि बस्ती और होस्टल्स में अगर कोई शासन की योजनाओं को केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाओं को बताना, वो कैसे मिलती है उसके बारे में जानकारी देना, कोई सजेशन है तो उनको प्राप्त करना, ये अभियान एससी मोर्चा 17 सितंबर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से 26 सितंबर संविधान दिवस तक 70 दिवसीय अभियान चला रहा है। अभी तक पूरे देश में 35,000 एससी की बस्तियों में एससी मोर्चे ने अपना संपर्क अभियान कर लिया है। एससी की 35,000 बस्तियों तक हम पहुंच चुके हैं, जहां पर हमने टीम को भी बनाया है। 500 से ज्यादा छात्रावासों में भी हमने संपर्क किया है। कल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कन्या छात्रावास अगरतला में मैं गया था। इसी प्रकार से पूरे देश में छात्रावास संपर्क भी चल रहा है। दो दिन के इस प्रवास में अगरतला ग्रामीण नगर के एससी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई है, एक बस्ती संपर्क अभियान हुआ है, एक छात्रावास संपर्क अभियान में गए हैं, राजनगर विधानसभा में लगभग 10,000 लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम जनसभा हुई है, 127 कम्युनिस्ट कांग्रेस विचारधारा के एससी के 127 परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन किए हैं। আপনারা শুনলেন এসসি মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি লাল সিং আর্য কি বলেছেন এবং বামেদের বিঁধেছেন তিনি যে ২৫ বছরেও কোন রকমভাবেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি রাজ্যে বামেরা, কিন্তু মাত্র চার বছরের বেশি সময়ে বিজেপি দল ক্ষমতায় এসে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং আগামী দিনে অবশ্যই মানুষের পাশেই থাকবে বিজেপি দল, এই কথাগুলি বলেছেন তিনি। সময় ছোট বিজ্ঞাপন বিরতির রয়েছে, অন্যান্য সংবাদ সঙ্গে থাকবেন।